दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही धमाकेदार एक न्यूज शेयर करने जा रही हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सीमा हैदर को। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से आई है, कहा जाता है कि ये सचिन के प्यार में आई है, पर क्या है सच, क्या आप जानते हैं? ध्यान से देखिए, सीमा दीवानी है या धोखेबाज? सीमा नई दुनिया स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान से आई भारत। भारत में क्या ये सही से रहेगी और क्या पाकिस्तान के लोगों को भारत में आना चाहिए? जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ तो इन लोगों ने बंटवारा कराकर दो अलग अलग देशों में डिवाइड कर दिया और अब ये प्यार के नाम पर हमारे इंडिया में आ रहे हैं। आप में इसे देखिए, जो सचिन ये एक पागल दीवाना हो चुका है या बिल्कुल ही दीवाना होकर पागल हो चुका है, जो चार बच्चों की माँ सीमा हैदर को अपनी बीबी बता रहा है और इससे शादी रचा रहा है। इसे ये नहीं समझ में आ रहा, जो एक ऑलरेडी शादीशुदा महिला होते हुए चार बच्चों की माँ भी है साथ में, वो आखिर इंडिया क्या करने आई है पाकिस्तान से? क्या उसे और इससे अच्छी लड़कियां नहीं मिल सकती थी उम्र में उससे अधिक? और सीमा हैदर, वो भी पाकिस्तान की, आखिर क्यों सचिन सीमा हैदर से शादी कर अपने घर पर रखा हुआ है? साथ ही इनकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया पर हर एक जगह पर ये छाए हुए हैं। क्या इन्हें इंडिया वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए, इंडिया में इन्हें रहना चाहिए? मुझे तो लग रहा है सीमा हैदर अपने पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को देखकर दंग होकर हमारे इंडिया में आ बसी हैं और ये कोई प्यार नहीं है, सिर्फ ये एक छल है। ये सचिन को भी समझ जाना चाहिए, प्यार हम किसी भी धर्म में कर सकते हैं लेकिन इस तरह का प्यार ये किसी को गवारा नहीं होगा। और सचिन को तो देखिए किस तरह से रो रो कर बात करता है सीमा हैदर के लिए, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। आप लोगों को क्या लगता है, हमारी मोदी जी की इंडिया को आगे बढ़ाने की हर एक प्रक्रिया को देखते हुए सीमा हैदर हमारे इंडिया में प्रवेश की हैं, क्या इन्हें इंडिया में रहने देना चाहिए? हमारे मोदी जी की वजह से आज हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और एक अच्छे देशों में हमारे इंडिया का नाम आ रहा है। क्या यह देखकर पाकिस्तान को गवारा नहीं हो रहा है? वो इसीलिए सीमा हैदर को इंडिया भेजे हैं। यहाँ पर इंडिया में इतना टैलेंट होते हुए भी सीमा हैदर को मूवी ऑफर की जा रही है, सीमा हैदर को चुनाव में खड़े होने के लिए बोला जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? सीमा हैदर को क्यों नहीं पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है? सीमा हैदर के रहते हुए हमारे इंडिया की भारतीय परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। सीमा हैदर फ्रॉड है। सीमा हैदर को देखकर क्या आपको कहीं से लगता है, जिस तरह से उनकी वीडियो नाचते गाते दिखाई जाती है सोशल मीडिया पे, कि वो अपने पति से सताई हुई है और वो सचिन के प्यार में पागल है, ये सब बिल्कुल एक दिखावा और एक फ्रॉड है और उससे हमारे भारत को काफी खतरा हो सकता है और हमारी भारतीय परंपरा के साथ साथ हमारे घर परिवार और बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, काफी लड़कियां इस समय जा रही हैं। तो सीमा हैदर को जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए और उनके मुल्क उनके देश वापस भेजा जाए। वीडियो में बोली गई एक भी बात अगर आपको पसंद आए और मेरी कही हुई बात सच लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप भी अगर एक अच्छे भारतीय नागरिक हैं तो हमारी इंडिया को सेफ और सुरक्षित रखने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए और लोगों को बताइए कि सीमा हैदर के रोने पर बिल्कुल भी ना जाए, उन्हें उनकी जगह, उनके मुल्क, उनके पाकिस्तान, उन्हें वापस भेजा जाए।